रे वो फोन करू नहीं आहे ना तुला आपल्याला समजत नाही तर असं असते तुमचं कॉल नाही जर हुनर आला तर कसं करू माहित ऐकत का नाही
नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल्य मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानां सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मिश्रसहणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयणरयं पैडी समुकीर्तनं मोक्षं। गोमठ सार जी कर्मकांड के सत्य स्थान भंगाधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने इसमें एक्सरसाइज चालू की थी, है ना। ये मार्गणाओं में हमने सत्य स्थान और भंग लगाना प्रारंभ किए थे। इसमें मार्गणाओं में तो अपन ने गति मार्गणा से प्रारंभ किया था और सबसे पहले नरक गति में हमने सत्य स्थान निकाले थे। नरक के गुण स्थानों में, नरक गति के कितने गुण स्थान है? चार। चारों गुण स्थानों में अलग अलग जो सत्य स्थान है उनकी अपन ने कल हमने चर्चा की थी। अब आज जो है नरक गति के बाद कौन सी गति है? तिरंज गति। तिरंज गति की गुणस्थान कितने हैं? पांच। तिरंज गति के अंदर पहला सत्य स्थान कितने का बनेगा आप निकालो। आप लोग सबसे कम का कितना बनेगा तिरंज में और सबसे ज्यादा का कितने का बनेगा? सबसे कम, इसमें तो कम तो बहुत अच्छे कम हो सकते हैं। बढ़िया मजेदार है ये केस। त्रियंच में मिंटा जी ठंड का प्रकोप है दिखता। चलो क्या कह रहे हैं? मुझे किसी रीजन से नहीं आते हैं। मुझे ऐसे ही कह रहा हूँ, ठंड भी बहुत पड़ रही है। हाँ कीर्ति जी निकाल ली क्या आपने? बोलिए। सबसे कम बोल रहे थे ना आप, तो वो तो 127 ज्यादा कितने का बनेगा? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तीन माइनस कर देंगे। एक जीव के बच्चा तीन माइनस करेंगे। हाँ तो तीन माइनस तो आयु एक तीन शंकर। हाँ तो कितने का बनेगा? 147। हाँ और सबसे ज्यादा क्या? सबसे कम 127 कैसे बनाया बताना। 127 में अपन ने सारी मतलब उसकी यदि अपन बधाई में जा रहे हैं तो उद्वेलना कर दी 13 की। हाँ उद्वेलना कर दी। आरग नहीं है, चिंताकर नहीं है, आयु नहीं है। 13 की करेंगे, 15 ही कर देंगे, कितनी हो जाएगी? सबकी कर देंगे उद्वेलना। मनुष्य देख और उच्च गोत्र आरग चतुर्ष कुछ भी नहीं है ना, तो कितनी उद्वेलनित हो जाएगी है? नहीं नहीं देखो उद्वेलना कितने की होती है? एक तो आरक द्विक ली ना कि आरक चतुष्क लिए वहां पर द्विक लिए। वहां तो द्विक ली थी जहां उद्वेलना की थी, इसलिए सिर्फ 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। तो एक्चुअल में ज्यादा बढ़ जाएगी देखो कैसे। हाँ क्योंकि हम आरक की बात करते हैं, आरक बंधन और संघात भी ले लेंगे। हाँ चतुष्क लिए बंधन संघात भी ले लेंगे, चार बढ़ जाएगी 13 और 4 17 और एक तीर्थंकर 18 और 3 आयु 21 तो 127 यही है बराबर 18 की उद्वेलना हो जाती है। 18 की 13 और नहीं 17 की 17 उद्वेलित हो गई और 3 की सत्ता नहीं है तीर्थंकर और 4 की, एक 3 आयु और एक तीर्थंकर 17 और 4 21 तो 21 गई 148 में से तो 127 बची। और चलो अब बताओ तो कौन बताएगा कौन सी 21 गई है? आयुष जी नखा थे। गई नहीं है। हाँ आयुष जी आप बताओगे? बताइए। पहले तो 3 आयु और 1 तीर्थंकर, इनका तो सत्य नहीं है। और अब कितनी बतानी है आपको? 17। We can go for all the
और दो बज गई हाँ संघात और हाँ ठीक है बराबर सही हो गई एक चीज देखो हाँ बोलिए खुशबू जी नहीं बस वही बोल रही थी भैया जी इक्कीस प्रकृति है ना वो जो उद्वेलित होने की वाली 13 प्रकृतियों के नाम बता दो तीर्थंकर आरकविद उद्वेलना 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 जिनकी होती है तीर्थंकर की उद्वेलना नहीं होती उद्वेलना की बात बता दो हाँ तो उद्वेलना में तो आरकविद आएगा हाँ फिर और देवद्विक नहीं फिर आरद्विक के बाद फिर क्या आएगा क्रम से बोलो क्रम से सीक्वेंस में आरकविद के बाद किसकी उद्वेलना होती है आरक्षित फिर देवदिक नहीं नहीं आरक्षित के बाद किसकी होती है पहले सोचो आयुष नखाते ममता जी बोलो मैं बोलूं क्या ऊपर वो प्रकृति हाँ जी बोलिए वो 13 प्रकृतियों के नाम जिनकी उद्वेलना होती है क्रम से हाँ आहारक दिक सम्यक्त्व मिश्र विचार तो ये हो गई मिथ्या दृष्टि की होगी उसके बाद है देवद्विक देवद्विक छे उसके बाद नरक द्विक है नरक द्विक की नरक चतुष्क नरक द्विक और वैकरिक द्विक अलग कर सकते हैं एक साथ कर लो मतलब उनकी हाँ या नरक चतुष्क बोल सकते हैं और उसके बाद होती है उच्च गोत्र की और उसके बाद होती है मनुष्य द्विक की ये होगी 13 प्रकृतियां समझ में आया ना ये क्रम है खुशबू जी क्या वो आज क्रम भूल गए थे है ना आप ध्यान आया ना आहारक द्विक सम्यक सम्यक प्रत्यात देवद्विक नरक चतुष्क उच्च गोत्र मनुष्य द्विक अब इनमें चार प्रकृति और जोड़ दी आरक बंधन आरक संगत विक्रियक बंधन विक्रियक संगत 13 और 4 17 मतलब जहाँ आरक शरीर अंगोपान की होगी वही आरक बंधन संघात की उद्वेलना हो जाएगी जब विक्रियक शरीर अंगोपान की उद्वेलना कराएंगे वही विक्रियक बंधन विक्रियक संघात की भी उद्वेलना करा देंगे तो ऐसे कुल 17 उद्वेलित हो गई 3 आयु की सत्ता नहीं है 20 और 1 तीर्थंकर की सत्ता नहीं है 20 और 1 21 ऐसे 148 में से 21 घटाई तो 127 की सत्ता है बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया बताया ये 100 सबसे कम कितने हो सकते हैं और अच्छा अब मेरा दूसरा प्रश्न पहले गुणस्थान में अधिक से अधिक कितने की सत्ता हो सकती है पहले गुणस्थान में मैक्सिमम कितने की सत्ता हो सकती है माला अभी बोलिए 145 की सत्ता हो सकती पहले गुणस्थान में तिर्यंश को दो आयु और तीर्थंकर की सत्ता नहीं होगी और पहले गुणस्थान में सबसे कम कितनी हो सकती है पहले गुणस्थान में सबसे कम कितनी हो सकती है पहले गुणस्थान में सबसे कम कितनी हो सकती है अरे हाँ अनिता सिंधु जी बोलिए सर 127 की बहुत बढ़िया 127 की बताया ना ये 127 प्रत्यात में होगी बहुत बढ़िया चलो अब दूसरे गुणस्थान में मैक्सिमम कितनी हो सकती है दूसरे गुणस्थान में तिर्यंश को अधिकतम कितनी हो सकती है तो मिनिमम ही पूछूंगा मैं मिनिमम कितनी हो सकती है पहले मैक्सिमम बता दो दूसरे गुणस्थान में तिर्यंश को मैक्सिमम कितनी हो सकती है दूसरे गुणस्थान में तिर्यंश को अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्व हो सकता है हाथ खड़ा करना फिर पूछूंगा बोलिए खुशबू जी 141 बिल्कुल सही 141 आरक चतुष्क की सत्ता यानी रहेगी ना चलिए दूसरे गुणस्थान में कम से कम कितने की रह सकती है मिनिमम
कम से कम थोड़ा सोच के बता रहे हैं, ऐसा एकदम नहीं। कम से कम करना अपने को, कम से कम। कृति जी बोलिए। 140। हाँ, मतलब एक आयु कर्म घटेगी और कुछ नहीं घटेगा, और कुछ घट ही नहीं सकता है, क्योंकि आरक्ष चतुर्थ तीर्थंकर पहले ही घटा दी, अब क्या घटाएंगे। उद्वेलना कुछ होना नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्मा उद्वेलना होती है, तो इसलिए सब रहेगी। क्या बहुत बढ़िया, 140 मिनिमम रहेगी। तीसरे गुण स्थान की बात करते हैं अपन जरा, तीसरे में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तीसरे में मैक्सिमम कितनी हो सकती है। हाँ बराबर, हाँ बोलिए सिंधु जी। सर 145 की। सही है, 145 की मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम नहीं बता सकते हो क्या। हाँ 136 की। तीसरे गुण स्थान में 136। हाँ एक सेकंड, मेरे को भी सोच लेने दो भैया। 145 बताई ना उन्होंने, 8 घटा दो इसमें से, तो 145 में से 8 घटाई थी कितनी हुई 137, और फिर एक आयु घटा दी 136। ठीक है सिंधु जी। हाँ सर 136 बताई ना आपने। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 136 की मिनिमम हो सकती। कौन सी घटाई है बताओ, घटाई हुई प्रकृतियों के नाम बताइए। तो तीन आयु, आठ चतुष्कोण तीर्थंकर कितनी हुई, तो आठ ही हुई, 136 में और 8, 144, 4 और घटा दी। चार खुशबू जी घटा दो, मधु जी घटा, अनंतानुबंधी चार। हाँ अनंतानुबंधी चार और घटे, अनंतानुबंधी चार का भी सत्य हो सकता है किसी को ना हो। ठीक है बहुत बढ़िया, अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं, है ना। तीसरा चौथा गुणस्थान, तीर्थंकर के चौथे गुणस्थान में अधिकतम कितने का सत्व हो सकता है। अधिकतम त्रियंच को चौथे गुणस्थान में अधिकतम कितने का सत्व हो सकता है। त्रियंश को ध्यान ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं, त्रियंश को, त्रियंश को चौथे में अधिकतम कितना हो सकता है बताना है। त्रियंश को मैक्सिमम चौथे में कितनी हो सकती है। मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम तो सरल है, मिनिमम में मजा आएगा। बोलो मैक्सिमम कौन बताएगा, वीरेन जी। 145 सही है, 145 का सत्व पाएगा। तीन जो है ना, तीन सरल है, दो आयु एक तीर्थंकर का सत्व नहीं पाएगा। अब कम से कम चौथे गुणस्थानवर्ती को कम से कम कितने का सत्व पाएगा, कम से कम, कम से कम चौथे गुणस्थानवर्ती त्रियंश को कम से कम। माला अभी 146 की। नहीं ना 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 नहीं, नहीं कम से कम 1 कितनी बोली आपने। हाँ एक मिनट, सही है, एक मिनट पे लोग पूछते। हाँ सुनीता जी 133 सर। क्या बात है, क्या बात है, सही आंसर है, सही है। ममता जी 133 हो जाएगी ना, क्या
कैसे कौन सी 133 बताओ, 15 कौन सी घटाई, सपना जी बता रहेगी 15 कौन सी घटाई, सपना जी अनीता जी किसमें घटाई थी पहले कितनी, हाँ उसमें तीन और घटा दी, सही है। तो अब कौन कौन सी घटाई बता दो, 133 जो है ना, 15 कौन सी घटी हुई है, 15 घटी हुई के नाम बता दो सुनीता जी। सर दो आयु तीर्थंकर, दो आयु की तीन आयु, तीन आयु तीर्थंकर, अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और प्रकृति सम्यक प्रकृति, हाँ और आरक चतुष्क, आरक चतुष्क भी, हाँ ठीक है चलो बढ़िया। पांचवा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, पांचवे गुणस्थान को त्रियंश में अधिकतम कितनी होगी, पांचवे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाए, निकालिए पांचवे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाए। एक तो है ना पेन 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 और कॉपी लेके बैठा करो आप सब, बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये तो आप लोग जो है ना फास्ट नहीं निकाल पाओ। पांचवे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को अधिकतम तो बहुत सरल है, कछु है ही नहीं उसमें, कछु नहीं है अधिकतम में, तो मिनिमम में आएगा मजा, तो अधिकतम में कछु नहीं है। स्वस्ति जी बोलिए, स्वस्ति जी मतलब वर्षा 145, बिल्कुल सही 145 का सत्य पाया जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवे को कम से कम कितनी का सत्य पाया जाएगा, इसे मजा आएगा देखो। पांचवे गुणस्थान और दी कम से कम, 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 136। कीर्ति जी रुको अभी एक मिनट, अभी लोगों को चांस दे रहे हैं। पांचवे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को कम से कम, बोलिए अनिता जी भोपाल सर 133 का नहीं, विरेन जी 129, पांचवा और कम पड़ती, पांचवा तो चार और कम हो जाएगी ना, अनंतानुबंध हुआ अपने आप, अप्रत्याखाना वरण बनी, सत्ता ही गायब हो जाएगी, सत्ता गायब होगी कि उदय गायब होगा, हाँ सत्ता तो गायब नहीं होगी। कौन बताएगा पांचवे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को कम से कम कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाएगा, वर्षा जी कौन बता रहा है, खुशबू जी, खुशबू जी तो बता देंगे, वर्षा जी आप बता रहे कि यार हाथ खड़ा था, एक मिनट सबके हाथ पहले लोअर करता हूँ, अब वापिस से हाथ खड़ा कर लो, जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर लो। अच्छे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को कम से कम कितने का सत्य पाया जाएगा, चलो खुशबू जी बोल दो आखिर, 136 सही है, 136 तीन मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का पांचवे गुणस्थान वर्ती त्रियंश को छय नहीं होगा, क्योंकि वो छय सम्यक्री नहीं होता है, इसलिए उसको 136 का कम से कम सत्व पाया जाएगा। ललिता जी बोलिए क्या गलती करी हमने, आपके अनम्यूट भी आवाज, हाँ बोलिए आप, उसको कोई कोई जो छाईक समय दर्शन करने के लिए वेदक मनुष्य मर करके त्रियंश में जा रहा, उसको तो आप छाईक बना ही सकते हैं ना, पांचवे में पांचवा गुणस्थान है, पांचवा, अच्छा पांचवे गुण, नहीं तो वैसा जीव जो जाके वहां पर पैदा, वो पांचवा गुणस्थान नहीं प्राप्त करे, अच्छा सॉरी भोग भूमि में जाता, हाँ हाँ भैया भोग भूमि में जाता, बिल्कुल 136 सही आंसर है, 12 जो कम होगी उनके नाम सुन लो, चार आरक चतुर्ष, चार अनंतानुमंदी, आठ तीन आयु और एक तीर्थंकर, ये 12 से ज्यादा कम नहीं कर सकते अपन पांचवे को, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया इसमें। अब अगला मनुष्य गति, मनुष्य गति में आ जाओ सब। पहला गुणस्थान अधिकतम कितनी हो सकती है? पहले गुणस्थान में अधिकतम अपन यहाँ ये मान रहे हैं कि तीर्थंकर और आरक एक साथ ही हो सकती है ना, ये मान के बताना। पहले गुणस्थान में मनुष्य का अधिकतम कितनी हो सकती है? रानी जी 146 नहीं, तीर्थंकर और उसका मना किया ना, मना कर दो, तीर्थंकर को मना कर दो तो फिर 145 ही रहेगी। 145 तीर्थंकर और दो आयु कम कर दो, 145 अधिकतम पहले गुणस्थान है मनुष्य को। पहले गुणस्थान वर्ती मनुष्य को सबसे कम न्यूनतम, न्यूनतम ये बहुत बढ़िया है वाला केस। इसमें पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी न्यूनतम निकालने के लिए पहले वाले को। एकदम मत बताना, जल्दी मत करना, एकदम आराम से निकाल लो पहले। कोई एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड अपना नाम रखे अगली बार, एक्स वाई जेड भी नाम ही होता है, एक्स वाई जेड नाम रखे। अब मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई जेड आंसर दो। पहले गुणस्थान है मनुष्य को न्यूनतम। थोड़ी किताब विताब देखना, देख लो पीछे से निकाल के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज देख लो, सब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो वो सब चीजें आपको निकल जाएगा ना। मनुष्य का तो अपने सब बनाई है। पांचवे गुणस्थान, एक पहले गुणस्थान वर्ती मनुष्य को मैंने प्रश्न, पहले गुणस्थान वर्ती मनुष्य को कम से कम कितनी होगी ना? चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना एकदम। हाँ कोई नए व्यक्ति, मैं नए व्यक्ति से पूछूंगा प्रश्न। मिनिमम मिनिमम नोट्स देखो, नोट्स मिल जाएगा आंसर। हिंट दे रहा हूं मैं, नोट्स में आंसर है। नोट्स में आंसर है, पेज नंबर नहीं बताऊंगा। सिंधु जी, सिंधु जी पर आपसे पूछ लिया मैंने, सबसे पूछ लिया, स्वस्ति जी से पूछ लेते हैं। चलो वर्षा जी बोलिए। सर प्रियंका नाम है, प्रियंका है, प्रियंका नाम है। ओ प्रियंका, सॉरी मैं वर्षा नाम याद, सॉरी प्रियंका। 136 मेरे को एकदम पता नहीं, 136 नहीं बनेगा प्रियंका जी, 136 नहीं बनेगा। चलिए और कोई घटाओ, जितनी घटा सकते हो घटा लो, दुनिया की सब घटा लो, जो जो घट सकती है सब घटाओ, दुनिया भर की घटाने के लिए मजा फिर वही। अब सिंधु जी से पूछते, सिंधु जी ने कितनी घटाई देखते हैं, घटाने में 131 सर। ओ बहुत क्लोज थे लेकिन थोड़े से बच गए, चौका लग जाता नहीं था। सुनीता जी आप लगा दो 6। थोड़ा सा हाँ आप रानी जी, रानी जी वैसे बोलो, आप इस कठिन क्वेश्चन का ट्राई कर रहे हो आप। 130 क्या बात, क्या बात रानी, एकदम मिडिल ऑर्डर पे आके। रानी जी बोलिए 130 है तो 18 कौन सी बंदा करेगा, तो मनुष्य 18 कौन सी कम की रानी जी? ये 130 में जो है ना मनुष्य आयु का सत्व रहेगा, त्रियंच मात्र बचेगी ना इसमें, इसलिए मतलब एक केंद्रीय विकल्प। 18 कम कौन सी की ये बताओ, वो आंसर भी कम मानेंगे, तुक्के में पड़ गया है। 18 कम बताओ कौन सी बची, कौन सी कम की है,
इसमें तीन आयु, ठीक है बहुत सही, आहारक चतुष्क बहुत सही, तीर्थंकर ठीक है, सम्यक बहुत बढ़िया, मिश्र बहुत बढ़िया, व्यक्रियक षटक नहीं आएगा क्या? अरे मेरे से मत पूछो आप बताओ यही होना चाहिए ना, बहुत पास तक आ गए, अब क्या है? और उच्च गोत्र होगा कि नहीं, नहीं होगा, उच्च गोत्र नहीं होगा, साथ में मिला के नरक शरीर रंगोपांग मंगल नरक शतक ले लो, मतलब नरक शतक में अपन नरक गति गत्यानुपुरी बहुत बढ़िया देखो रानी जी, आपने बताया सही था लेकिन थोड़ा सा वो नंबर जो प्रकृतियों के जो नाम है थोड़े से हो गए। चलो पहले मनुष्य मनुष्य हो गई कम से कम, आगे चरण में यही पेज नंबर देखो 217 पे देखो, दिख रहा है 217 में पेज में 130 में बुद्धिमान मनुष्य ही हुए, 130 का बन रहा है ना, ये सब घट जाएगी ऊपर, कोई मनुष्य पैदा हुआ जन्म जो त्रियंत में उसने सबकी उद्वेलना कर दी है ना, और त्रियंत में उद्वेलना करके फिर वो मनुष्य पैदा हो गया, तो जब तक उसको व्यक्रियक बंधेगी नहीं, नरक व्यक्रियक मतलब नरक और देवगति संबंधी कोई प्रकृति नहीं बंधेगी जब तक, तब तो उसको 130 का सत्व रहेगा ना, फिर बंधने के बाद भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन जब तक नहीं बंधेगी तब तक 130 का सत्व रहेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न मेरा सासादन की बताना है आपको, सबसे अधिकतम मनुष्य को एक मैक्सिमम अपन ये मान रहे हैं आरक्ष चतुष हो सकता है, चलो सासादन मनुष्य को द्वितीय ऑप्शन सम्यक की अपेक्षा, तो सासादन गुणस्थान में मनुष्य को अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जा सकता है? बोलिए खुशबू जी। 145 सही है, कौन सी तीन कम की? तीर्थंकर और दो आयु। हाँ तीर्थंकर और दो आयु कम करनी थी, तो अपने आरक चतुष की सत्ता मान ली ना, कम से कम कितने का सत्य पाया जाए? बराबर आरक चतुष घटा दो तीर्थंकर दो, नहीं 100 और घट सकती है, सोचो क्या घट सकती है, बिल्कुल क्लोज हो एकदम, एक चीज में पन्ना जी बोलिए। 141 यदि बद्धायु से और 140 यदि अबद्धायु से। देखो जब अपन मिनिमम पूछते हैं तो अपने को अबद्धायु लेना है। हाँ तो 140। 140 तीन आयु एक तीर्थंकर और चार आरक चतुष्क से आठ प्रकृति घटा देंगे तो 140 हो जाएगा दूसरे वाले गुणस्थल। तीसरे मनुष्य को कम से कम अधिक से अधिक बोल रहे हैं आप, कम से अधिक कितनी होगी तीसरे में? चलो ठीक है तीसरे में अधिक से अधिक 145, दो आयु और तीर्थंकर नहीं होगी 145, तीसरे में कम से कम तीसरे में कम से कम कितनी होगी? तीसरे गुणस्थानवर्ती मनुष्य को कम से कम कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाएगा? सिंधु जी सर 136। 136 सही आंसर। कौन कौन सी कम करी पन्ना जी बता दो, कौन कौन सी कम करी? तीन आयु, फिर अनंतानुबंधी चार, आरक चतुष्क चार और एक तीर्थंकर। हाँ ये 12 प्रकृति कम हो जाएगी कि 136 का सत्व रहेगा। चौथे गुणस्थानवर्ती त्रियंजन, चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य को अधिकतम मैक्सिमम सरल 146, दो आयु कम कर दो 146 का, कम से कम चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य को कम से कम मिनिमम कम से कम, गलत है, एक आयु तो सोचते ही नहीं आप लोग, आयु बद्धायु अबद्धायु में
कम से कम चौथे गुण स्थान मूर्ति मनुष्य पित्ते का सत्व पाया जाएगा। मन्ना जी बताए कि शायद किस किस ने हाथ वापस से खड़ा कर देने दिए शायद। प्रियंका जी बोलिए। 133 सही नहीं है। 133 की 135 133 हाँ 133 सही आंसर। 15 कौन सी घटाई है? 15 घटाई कौन सी है प्रियंका जी? हाँ सर हाँ। 3 आयु और 4 अनंतानुबंधी बराबर और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व और मिश्र। हाँ तो 10 हो गई। 3 और 4 7 और 3 10 5 और बतानी है। 5 और कौन सी घटाएंगे प्रियंका जी? तीर्थंकर और आहारक चतुष्क। हाँ बहुत बढ़िया ये 5 और घटे। इस तरह से 15 घट जाएगी। तीर्थंकर आहारक चतुष्क 3 आयु 8 तो ये हो गई और 7 वो जो छाई समय दृष्टि के लिए होती है 8 और 7 15 तो 133 हो गई। वो बद्धायु की अपेक्षा है। अरे वो गलत छपा है। वो गलत छपा है उसको सही कर लो। 134 और 133 होना चाहिए। वो टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक है वो हमने सुधारी। टाइपिंग मिस्टेक है। 133 हो गई। उसको 134 और 111 कम कर लो दो जगह। चलो पांचवा चौथा हो गया कौन स्थान। पांचवे गुणस्थानवर्ती मनुष्य को अधिकतम कोई सेम रहेगी। चौथे और पांचवे में कोई अंतर नहीं रहेगा सेम है। चलो आगे छठे सातवें में भी सेम है कोई अंतर नहीं। आठवें में भी सेम है। नौवे गुणस्थान में कम से कम कितनी रहेगी? सब आचार्यों के मत ले लो आप तो। नौवे गुणस्थान में अधिकतम कितनी रहेगी और कम से कम कितनी रहेगी? अधिकतम नवे गुणस्थान में अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाएगा? नवे में कम से कम कितनी गुणस्थान कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाएगा मनुष्य को? मनुष्य बोलो नवे में कम से कम कितनी का सत्व पाया जाएगा मनुष्य को? एक कम से कम पहले सबसे ज्यादा 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 बता रहे कम से कम बता रहे ज्यादा ज्यादा नवे गुणस्थान सब चीज ले लेना। नवे गुणस्थान वर्ती मनुष्य को अधिक से अधिक कितनी प्रकृति का सत्व पाया जा सकता है? हाँ निर्मला जी बोलिए। 138 का अधिक से अधिक। हाँ 138 अधिक से अधिक उपशम श्रेणी की अपेक्षा में सोच लिया क्या आपने? चपक श्रेणी नहीं उपशम श्रेणी भी सोच के बता दो। नवे गुणस्थान वर्ती उपशम श्रेणी भी ले लो भाई। नवे गुणस्थान उपशम श्रेणी वाला क्या आता है? तो अधिक से अधिक कितनी का सत्व पाया जाएगा नवे गुणस्थान? हाँ ललिता जी बोलिए। मैं गलत हो सकती हूँ भैया अगर अनंतानुबंधी का विषयोजन अनंतानुबंधी सत्व है तो केवल 3 आयु दो आयु हाँ 2 आयु के 146 का सत्व सही 146 का अधिकतम सत्व पाया जा सकता है। 146 का मैक्सिमम इससे ज्यादा का सत्व नहीं पाया जा सकता। 146 का अधिकतम नवे गुणस्थान में उपशम श्रेणी की अपेक्षा जिसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना अपन ये मान रहे हैं कि उसके बिना भी चढ़ सकता है विसंयोजना किए बिना भी तो उसको 146 का सत्व पाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब अपन पूछ रहे हैं नवे में कम से कम कितनी कम से कम कितनी बोल रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा
कोई का हाथ खाने वाले हैं, कम से कम छुट्टी मिनिमम कर सकते हो, जितने आचार्य के मत सब ले लो। हाँ कौन बता रहा है? प्रियंका जी बताओ। सर अगर संज्वलन माया भी माइनस करना है क्या? हाँ करेंगे ना, मिनिमम पर निकालेंगे उसको भी करेंगे माइनस, तो फिर 97। हाँ 97 सही आंसर है, संज्वलन माया भी कम कर दो वहां तो 97 बनेगा, यदि माया कम नहीं करेंगे तो 98 बनेगा। ठीक है, 97 में कौन कौन सी घटाई है ये बता दो, कितनी घटाई है अपन ने? 97 है तो कितनी घटी है? 51 के नाम मालूम है कौन से? बोलिए 51 के नाम। छह समय दृष्टि के साथ, नहीं 10 में छह समय दृष्टि के साथ है। दो आयु की तीन आयु, दस हो गई। ठीक है, 10 का 9वें में कितनी छह होती है? 36। तो बस 10 और 36 46, और 5 कौन सी कम करनी? बस ये 36 जो 9वें में जाती वो, और 10 जो है जो छाईक समय दृष्टि के साथ की होती वो, तीन आयु नहीं है वो। 36 और 46 और 4 आरक चतुर्थ और तीर्थंकर 46 और 5 51, ये 51 नहीं होगी तो 97 में जाएगी। ठीक है, अब अपन 10वें में आ जाओ। 10वें में तो सर अधिकतम क्या ना मिनिमम क्या सब एक ही है? नहीं नहीं अधिकतम और मिनिमम कम फर्क पड़ा, सॉरी क्या 10वें में मैक्सिमम, 10वें में मैक्सिमम कितनी होगी? सब चीजें कंसिडर करना, सारा दिमाग में सब रखना, ये तो फिर भूल जाओगे। सिंधु जी बोलिए। 102 सर। क्या 10वें में छपक श्रेणी चढ़ेगा, उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा? उपशम श्रेणी की अपेक्षा कितनी बनेगी सिंधु जी? 101। फिर गड़बड़। चलो खुशबू जी बोलिए। 146। बस 146 बनेगी भाई, छपक उपशम श्रेणी की अपेक्षा, सीधी सी बात है। चलो अब अपन ये बताओ कम से कम कितनी रहेगी 10वें में? कम से कम है 97 ही रहेगी 10वें में। माया तो पहले ही कम कर दी अपने, और क्या कम करेंगे 10वें? दसवें के बाद कम होगी अब एक और, 10वें में तो कोई कम नहीं होगी, 97 रहेगी। 97 सही आंसर है, 97 ही रहेगी 10वें मिनिमम। चलो 11वें में मैक्सिमम और मिनिमम, ये सरल है ये वाला। 11वें में मैक्सिमम कितनी रहेगी, मिनिमम कितनी रहेगी? 138। कौन कौन सी घटाई है? एक तो अनंतानंद अनुबंधी 4। हाँ? और तीन दर्शन होने की भी घटा देंगे अगर चपल अपेक्षा। हाँ ठीक है, और ये एक आयु की संख्या कितनी बताई? 138। नहीं वो सही नहीं है सर, थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक है। कम से कम
कम से कम बताना। कम से कम क्या पूछा मैंने, दसवें में कम से कम कितनी रही? चलो किससे पूछूं? ममता जी बोलिए। ये लोभ घटेगा, संजोलन लोभ और निद्रा प्रचला भी घट जाएगा ना इसमें, तो 94 रह जाएगी। ग्यारहवा ममता जी, ग्यारहवा गुणस्थान उपशम श्रेणी के अंदर है। अच्छा ग्यारहवा पूछा है आपने, ग्यारहवा में मिनिमम कितनी रहेगी? चलो अब चांस नए लोगों को दूंगा मैं, जो नए लोग पूछेंगे। मिंटा जी हैं जैसे, मिंटा जी पूछ बताना चाहते हैं, वीरेन जी, मिंटा जी, अनीता जी भोपाल, अंजना जी चौधरी, नीलिमा जी, रानी जी, श्रद्धा जी, आज श्रद्धा जी बिल्कुल अब्सेंट, मतलब अब्सेंट नहीं है सामने। इन लोगों से पूछूंगा मैं, जो इन लोगों में से एक ने भी हाथ खड़ा किया सबसे पहले उनको चांस। रानी जी को देखिए, 133। क्या बात है, क्या बात रानी जी, आप संख्या तो सही निकाल लेते हैं। अब यही बता दो कौन सी कम की है इसमें? तो तीर्थंकर कम करेंगे। हाँ, आहारक चतुष्क कम कर देंगे, 5 कम हो गई, बहुत बढ़िया। 3 आयु कम कर देंगे, 8 और 3 वो दर्शन मोहिनी की भी कम कर देंगे, 11 और अनंतानुबंधी की 4 कर देंगे। क्या बात है, 15 कम कर दी, सही आ गया 133 आंसर सही है। छाईक सम्यक्ति की जो 7 कम होती वो 3 आयु, 7 और 3 10, आरक चतुष्क एक तीर्थंकर, 10 14 और 15 133 निकले ना, 15 घट गए 148 133। कैलकुलेटर लिया करो आप, कैलकुलेटर से फटाफट हो जाएगा। सब लोग कैलकुलेटर भी अब खैर सबके फोन में रहता है ऐसे बराबर। चलो अब अगला कहां गए अपन, 11वें में आ गए, 12वें में। 12वें में अधिकतम, 12वें में अधिकतम, हाँ 12वें में अधिकतम, 12वें में अधिकतम। देखो इससे क्या है, अपन एक्सरसाइज करते हैं ना तो अपने को हर चीज रिवाइज हो जाती है, अपना दिमाग अपने आप चलने लगता है। 12वें में अधिकतम पूछ रहा हूँ मैं। निर्मला जी बोलिए। 101 सही है, 101 अधिकतम है 12वें, बिल्कुल सही। अब 12वें की कम से कम बताना है, 12वें की कम से कम ये थोड़ा सा ध्यान देख के बताना। अनिता जी, अनिता जी से पहले, अनिता जी सर 94 मतलब 97 पहले थी और 3 और कम कर दी, ठीक है बहुत सही, 94 सही आंसर। 97 थी ना 9वें में, 10वें में भी 97 थी, फिर 3 और घटा दी, कौन कौन सी 3 घटा दी? संजलन लोभ और निद्रा प्रचला, 2 और 3 और घटा दी, ठीक है तो 94 कम से कम रहेगी, ठीक है। 13वें गुणस्थान में, 13वें में अधिकतम, 13वें में अधिकतम, 13वें में अधिकतम कितनी रहेगी? ये तो बहुत सबको बताना चाहिए, आंसर तो बता दो भाई, 13वें में अधिकतम कितनी रहेगी? बोलिए मिंटा जी बोल रहे हैं कुछ, मिंटा जी बोलिए। 85 हाँ 85 रहेगी, सही आंसर है। अब मिनिमम कितनी रहेगी 13वें में बताना, ये भी सरल है। माला अभी मिनिमम कम से कम 13वें में, मेरा तो हाथ मैक्सिमम में उठाता पर मिनिमम में बता दो जो भी है। मिनिमम में 63 अरे 63 तो जाएगी, रहेगी कितनी? हाँ जाएगी, 63 जाएगी। कोई बात नहीं, अभी आप सोच लो थोड़ा सा। वीरेन जी बोलिए। 80 80 रहेगी, 5 और कम कर दो, आरक्ष चतुष्पर तीर्थंकर, तो 80 रहेगी, ठीक है।
चलो चौदहवें में अधिकतम कितनी रहेगी, चौदहवें की अधिकतम बताना है, कम से कम अधिकतम तो बताइए, अधिकतम कौन बता रहा है? चलो हाँ डिसेंट बालाजी जी, चरम समय तक तो 85 रहेगी, अधिकतम 85 रह सकती है, कम से कम कितनी रहेगी? कम से कम 68 रहेगी। अरे मैं चौदह गुणस्थान कोई भी समय ले लो उसमें, मैं तो नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप चरम ही लो, कोई सा भी समय ले लो ना, कम से कम बता दे 12। हाँ बस चौदहवें गुणस्थान के अंदर कम से कम 12 रहेगी अंत समय में, और अधिक से अधिक 85 रहेगी द्विचरम समय में, अधिक से अधिक यदि आरक चतुष्क और तीर्थंकर भी तो 85, और चरम समय में यदि तीर्थंकर भी है तो, तीर्थंकर भी नहीं है तो 12 रहेगी, 12 से कम नहीं रहेगी। ठीक है, ये अपन ने पूरा 14 गुणस्थान में अधिकतम कितनी प्रकृतियां रह सकती है मनुष्य को, ये मनुष्य की हो सकता है 14 6 से लेके 14 गुणस्थान मनुष्य की है, इसलिए मनुष्य गति में ही अपन ने बताया, और वही मनुष्य जो मनुष्य गति में है वही गुणस्थान में, क्योंकि 6 से 14 गुणस्थान मनुष्यों के ही होते हैं, इसलिए वो ओगवत है मारगणा में। अब देवगति बची है, चलो देवगति का पूछता हूँ मैं, है ना, देवगति के अंदर पहले गुणस्थान में अधिकतम कितनी रहेगी? चलो अधिकतम देवगति में पहले गुणस्थान में देवगति में अधिकतम पहले गुणस्थान में गलत। हाँ सुनीता जी बोलिए। सर नरकायु का बंद नहीं करेगा और दो आयु कम करके 145, तो दो ही आयु कम हुई तो 146 होगा ना? नहीं पर वो नरक का बंद ही नहीं कर रहा है ना, नरक कहाँ से आ गया है, नरक कहाँ से आ गया है? देवायु, देवायु है ना सर, तो उसमें दो आयु कम करेंगे तो 146 का सतर। हाँ तो 146 हुआ ना आपके हिसाब से। हाँ अब तीर्थंकर भले ही हो उससे क्या है, पहले गुणस्थान देव को तीर्थंकर भी हो सकती है क्यों? चलो कृष्णु जी बोलो, पहले गुणस्थान में देव गति 145 कौन सी घटाई? 3 तीर्थंकर और 2 आयु। हाँ तीर्थंकर पहले गुणस्थान में देव में नहीं होती है, कोई भी तीर्थंकर जिसको तीर्थंकर की कोई भी देव, कोई भी मिथ्या दृष्टि देव जिसको तीर्थंकर की सत्ता नहीं होती है, मिथ्या दृष्टि देव को तीर्थंकर की सत्ता नहीं है, तीर्थंकर की सत्ता केवल सम्यक दृष्टि देव को ही होती है। चलो पहला गुणस्थान में अधिकतम बता दी, पहले गुणस्थान में कम से कम कम से कम पहले गुणस्थान में देव कितनी बनेगी? क्या बात है, कोई जवाब ही नहीं रहा है, पहले गुणस्थान में कम से कम देव को कितनी बनेगी? सरल है ये तो, चल 3 जनों के हाथ का चौथा। श्रद्धा जी बोलिए, वाह वेलकम टू दिस क्लास। 139 एक मिनट, कौन सी घट रही है, कितनी घटाई है कितनी श्रद्धा जी, कितनी घटाई है? तीर्थंकर प्रकृति घटाई, आहारक चतुष्क घटाया, सम्यक्त्व मिश्र और देवदिग भी घटा दी, देव बनकर देव की जाएगा। नहीं नहीं तो एक मिनट, आपका बहुत कुछ क्लोज था लेकिन गड़बड़ हो गई, फिर भी जो बात मैंने भी नहीं सोची थी आपने सोची, धन्यवाद। लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया बात थी, अपन ने पीछे सोचा ही नहीं है, तो है?
अरे भाई अपन अनादि मिथ्या दृष्टि की तरफ से तो सोचा ही नहीं अपन ने मिथ्या, तो समय मिथ्या तो होगी नहीं, पीछे सोचा ही कहा अपन ने, पहला गुणस्थानवर्ती नारी को सोचा था अपन ने, कम से कम में गलती हो गई मेरे से थोड़ी, थोड़ा सुधार लेना। इन्होंने दो एक, हाँ तो अब इनके हिसाब से श्रद्धा जी ने जो बताई 139 बताई ना, लेकिन मेरे हिसाब से अब 138 आना चाहिए, कितनी आनी चाहिए 138 सही आंसर। अब 138 कौन सी वो बताना है आपको, 138 कौन सी वंदना जी बता दो, 138 कौन सी, तीन आयु सही है, फिर तीर्थंकर आहारक चतुष्क आठ सम्यक और मिश्र, बहुत बढ़िया, ये 10 भी हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक और सम्यक मिथ्या का भी सत्व नहीं पाया जाता, ये दो अपन घटे ही नहीं रहे थे पीछे, भाई ये मैंने मेरी गलती हो गई, ये दो दो घटेगी सब जगह, पीछे जितनी भी जगह अपन पढ़ के आए ये दो प्रकृतियां घटेगी, मिथ्या तो गुणस्थान में नहीं रहेगी किसी किसी जीव को, मिथ्यात्व के बाद तो सबको रहेगी लेकिन मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चाहे वो कोई भी हो तो उनको नहीं रहेगी, लेकिन मनुष्य में तो अपने लग ही गया, नारक में, नारक में अपन गलत कर गए थे, घटे थी ये दो, 138 रहेगी तो 138 का सब ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ उसमें घटाई थी अपन, घटाई थी मेरे ख्याल। अब दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान देव का, फटाफट चार गुणस्थान है, तीन और करने अपने, दूसरा गुणस्थान देव का कितनी अधिकतम रहेगी, अधिकतम वंदना जी बोलिए 145 अधिकतम। हाँ दूसरे में दो आयु और तीर्थंकर माइनस की और आहारक चतुष्क भी यदि माइनस करेंगे तो वो, हाँ नहीं करेंगे आहारक चतुष्क को माइनस, तो चार और दो छह और एक सात माइनस कर देंगे तो 141। हाँ तो 141 का सत्य पाया जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। आहारक चतुष्क माइनस करेंगे अपन क्या वो कंडीशन नहीं ले रहे द्वितीय ऑप्शन वाली, इसलिए करेंगे, वैसे जा सकता है लेकिन अपन नहीं किया, ले तो हो जाएगी 145 हो जाएगी, सही है। क्या कह रहे कीर्ति जी 145 कैसे हो रही है, दो आयु और तीर्थंकर रहेगी, तीन आयु क्योंकि जब वो देव होगा ना, हाँ तीन आयु सॉरी तीन आयु और तीर्थंकर नहीं रहेगी, तीन आयु जब वो देव हो जाएगा तो तीर्थंकर, तो फिर 144 रहेगी, हाँ तो 144 या फिर अपन इसको नहीं मानो दूसरे में तो 141, हाँ वैसे तो 144 है, हाँ 144 या 141 दो मत की अपेक्षा से तो ले लो, हाँ 145 नहीं बन रहा है, 144 145 नहीं बन रहा, बराबर चलिए दूसरे में मिनिमम दूसरे गुणस्थान में मिनिमम कितनी रहेगी, सरल है वैसे देव को दूसरे गुणस्थान में मिनिमम, सिंधु जी 140 बिल्कुल सही है 140, कौन कौन सी घटाई है सर, तीन आयु और एक तीर्थंकर, चार ही घटी और चार और घटा दो वो चार आहारक चतुष्क, ठीक है ये आठ घट गई तो 140 का तीसरा, तीसरा तीसरे में अधिकतम देव को मिनिमम तो बताइए 140 रहेगी दूसरे में, तीसरे गुणस्थान है मैक्सिमम देव को तीसरे गुणस्थान है मैक्सिमम मैक्सिमम तीसरे गुणस्थान में, मैक्सिमम निकालना मैक्सिमम तीसरे गुणस्थान मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम तीसरे गुणस्थान मैक्सिमम अधिकतम कितनी घटाई आपने, हाँ तीन क्यों घटाई आई जब मैक्सिमम लेंगे तो कितनी होगी, हाँ तीसरे गुणस्थान मैक्सिमम 145 होगी, दो आयु और एक तीर्थंकर घटाएंगे, तीसरे गुणस्थान मिनिमम कितनी होगी,
सिंधु जी बोलिए सर 136 सही है। बोलो कौन कौन सी घटाई है? तीन आयु, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक चतुष्क और ये अनंतानुबंधी चतुष्क। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो गया तीसरे का। चौथा गुणस्थान देवों का, आज का आखिरी प्रश्न, देवों के चौथे में मैक्सिमम, चौथे में देवों के मैक्सिमम बोलिए खुशबू जी 146। बिल्कुल सही है। कौन सी दो घटाई है? दो आयु। बहुत बढ़िया। अब चौथे में मिनिमम, देवों के चौथे में मिनिमम श्रद्धा जी 133 आएगा। बिल्कुल सही है 133। अब पांच और कौन सी घटा दी अभी आपने इसमें? एक तीन कौन सी घटाई? तीन तीन थी ना, तीन कौन सी घटाई? तीसरे में, चौथे में, तीसरे में 136 थी, तीन कौन सी घटाई और? बोलिए मिंटा जी। तीन दर्शन मोनी की। हाँ तीन दर्शन मोनी की और घटा दी तो 133 आ गई। इस प्रकार से देव गति भी हो गई, तो गति मार्गणा पूरी हो गई अपन। अभी अभी एक करके बनाई ना मैंने आपको, एक करके बताया ही मैंने आप लोगों को, एक एक्सरसाइज करके बताइए। अब आप ऐसे ही जैसे गति में मैंने करके बताया, एक गति मार्गणा में लगाया, ऐसे आप इंद्री मार्गणा में लगाना। कल लगा के आओगे आप इंद्री मार्गणा में लगा के ना, रोज में होमवर्क दूंगा इंद्री में, फिर के बाद में फिर काय में लगाना, फिर योग में, फिर वेद में, फिर कषाय में, फिर ज्ञान में। 13 दिन का ये होमवर्क है, 14 मार्गणा, 13 दिन का अगला होमवर्क, रोज लगा के आना। लगा के तो आओ, गलती अपन सुधारेंगे। कल एग्जाम रहेगी ना कीर्ति जी? हाँ कल एग्जाम होगी इस पक्के में, इसलिए कोई भी कल छुट्टी नहीं मनाए, एग्जाम देंगे। ठीक है चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेता हूँ। जवाणी के ज्ञान ते सुजे लो सारो, सोवाणी मस्तक सदा दे। हाँ अरे बहुत सारे लोग हाथ खड़ा हो, इतने लोगों के प्रश्न के जवाब कैसे दूंगा भैया। हाँ वंदना जी बोलिए। कहाँ गए वंदना जी? बोलिए वंदना जी। ये भी पूछेंगे क्या मार्गणा का भी उसमें? ये तो कीर्ति जी से पूछो, क्या पूछेंगे वो उनसे पूछ के बताओ ना। पढ़ना था मार्गणा, मतलब मैंने तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लिए सब कुछ दिमाग चला के, आपका तो दिमाग तेज है चला के बना लीजिएगा। बन जाएंगे वंदना जी, चिंता मत करो, होंगे तो भी बना लोगे आप, कॉन्सेप्ट है तो बन जाएंगे सबसे। कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे भी मैं तो कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपको मैंने बनवा दिए, अब आपसे चाहे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको आना चाहिए, चाहे मार्गणा की पूछे चाहे कुछ भी पूछे, बेसिकली यदि कॉन्सेप्ट है तो सब बना देंगे। पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल ही है। रानी जी बोलिए। किसी कारण नहीं दे पाए तो आगे दे सकते हैं या एग्जाम? 5,000 रुपए लगेंगे। मतलब कोई विशेष कारण हो सकता है? नहीं क्या है चार्जेस है इसके अलग से। चलो करते हैं व्यवस्था रानी जी, आपकी अलग से देखते हैं। माला अभी बोलिए। ये जो टॉपिक अभी आप ले रहे हैं मांगने वाला, ये बुक में है क्या? नहीं ये इसके लिए तो हमारी जरूरत है, फिर बुक में भी रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? अधिकतम दूसरे गुणस्थान में अधिकतम, तो तीन आयु अधिकतम। हाँ 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 क्योंकि है ना वो जो साथ में जाएगा ना तो वो अपर्याप्त अवस्था में बन जाएगा ये गुणस्थान एक्चुअली, इसीलिए बाकी सब में आयु हटेगी, बाकी सब में आयु ले लेंगे।
चलो ठीक है, सिंधु जी बोलिए। सर ये 97 आया था तो ये छपक श्रेणी की अपेक्षा आया था। बराबर है, छपक श्रेणी की अपेक्षा ही आएगा 97। चलिए अब रानी जी क्या पूछना है बोलिए जल्दी से, एक मिनट के अंदर क्लास। तो ये जो मोबाइल बंद हो गया था मतलब दूसरे गुणस्थान में मिनिमम कितनी आई है देवगति में? देवगति में मिनिमम दूसरे गुणस्थान 140 आई है। हाँ, आठ घटा दो 140। चलो सुनीता जी बोलिए आपका क्या रहा। सर योग में कैसे घटाएंगे, यानी वो सात योग अलग पकड़ के वगैरह ऐसा कुछ करना है क्या? क्या योग? अरे योग अभी नहीं, मेरा मत योग करो, अभी चल करेंगे योग, अभी योग संबंधी कोई प्रश्न नहीं। ललिता जी बोलिए, अभी योग तो आए नहीं। हाँ भैया मैं भांग वगैरह बहुत कम लगाई हूँ आपकी क्लास पहले, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अनादि मिथ्या दृष्टि नारकी के 138 का स्थान हो सकता है ना? 138 देखो उसको सम्यक मिथ्या तो सम्यक भी नहीं रहेगी, हरक चतुष भी नहीं रहेगा, 6 और तीर्थंकर नहीं, 7 और 3 आयु नहीं, 10 घटा दो तो 138 रहेगा बराबर। और अनंतानुबंधी का मान लीजिए जिसको जो सादी मिथ्या दृष्टि उसको 140 का तो रह सकता ना, कोई दिक्कत ही नहीं। 136 यदि 136 में किसी को अनंतानुबंधी है तो उसको सम्यक मिथ्या तो सम्यक भी है, नहीं अनंतानुबंधी है तो 140 के किसी 140 के नहीं, नहीं सॉरी 136 बोलना चाह रही थी भैया। हाँ, अनंतानुबंधी 136 का शादी के 136 का रहेगा। हाँ, हो जाएगा ना, मैं तो भाई कल करेंगे अब बाकी चर्चा, ठीक है, जय जिनेंद्र सर।